अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन महमूद एंड वेलकम टू जायंस। इस वीडियो में हम मैकओएस में पाथ के वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि बैश प्रोफाइल में टर्मिनल की बैश विंडो में आप पाथ के वेरिएबल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और ये क्यों जरूरी है। अगर आप विंडोज यूजर हैं तो विंडोज में पाथ के वेरिएबल को किस तरह एडिट करते हैं उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देखते हुए विंडोज में पाथ के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ मैक ओएस में पाथ के वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप अपनी टर्मिनल विंडो ओपन कर लें, कमांड प्लस स्पेस और टर्मिनल लिख के सर्च करें। सबसे पहले आप इस चीज को कंफर्म कर लें कि आप एक बैश विंडो में हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे ZSH लिखा है, इसका मतलब है ये ZESH प्रोफाइल अभी यूज कर रहा है। ओके, हमने इसको पहले कन्वर्ट करना है बैश प्रोफाइल में, तो उसका तरीका कार ये है कि आप सिस्टम प्रेफरेंसेस में आएंगे, उसमें डायरेक्टली यूजर्स एंड ग्रुप्स में चले जाते हैं, यूजर ग्रुप सेटिंग, और जो आपका यूजर है उसके आइकॉन पे राइट क्लिक करें, सॉरी राइट क्लिक करें और एडवांस ऑप्शंस पे क्लिक करें। ये आपसे आपके अकाउंट का पासवर्ड पूछेगा, वो एंटर करें और अनलॉक कर लें। उसके बाद आपके पास ये सेटिंग आ जाएगी। यहाँ पे आपने लॉगिन शेल इसको चेंज करना है, ये भी बिन ZESH पे है, इसको बिन बैश पे करना है। इस पे करके ओके कर देंगे तो ये वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया। इस विंडो को मैं क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे एक नया, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको किसी वीडियो में बताया था कि जब भी हम इस तरह का कोई टर्मिनल बेस चेंज करते हैं तो हमें टर्मिनल की एक न्यू प्रोफाइल ओपन करनी पड़ती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ZESH पे था, अब ये बैश पे आ गया और यहाँ पे भी ये चेंज हो गया। इसको मैं क्लोज कर दूंगा, अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले पाथ वेरिएबल होता क्या? बेसिकली आपके सिस्टम में जो भी SDKs इंस्टॉल है, अगर आप फ्लटर पे काम करते हैं या किसी भी GitHub कह लें, Node.js कह लें, NPM, तो उन सब का जो एग्जीक्यूटेबल जो फाइल होती है जिसने कमांड को बताना होता है कि NPM का मतलब क्या है, NPM अगर लिख के एंटर करते हैं तो ये जो चीज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ये इस वजह से डिस्प्ले हो रही है क्योंकि यहाँ पे मैंने NPM लिख के एंटर किया, तो ये जो चीज डिस्प्ले हुई है इसकी वजह ये है क्योंकि NPM का जो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है वो पाथ में अवेलेबल है, मैं इस सिस्टम के पाथ में। उसको मैं कैसे देख सकता हूँ? एको, और पाथ एक वेरिएबल है, सिस्टम वेरिएबल है। तो मैं को इसमें वेरिएबल को देखने का तरीका क्या है? डॉलर सिंबल और पाथ जो है वेरिएबल का नाम, बेसिकली यहाँ पे पाथ का जो नाम है वो कैपिटल में PATH पाथ एंटर करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो सारे पाथ्स हैं या वो सारे फोल्डर्स हैं जो ये ग्लोबल पाथ के वेरिएबल में एडिड है। आप फ्लटर का मेनली क्योंकि मेरे जहन में भी फ्लटर आ रहा है, लेकिन अगर एंड्रॉइड स्टूडियो की बात करते हैं या गेट की बात करते हैं, किसी भी चीज की बात करते हैं PHP के वर्जन की, तो आपको अगर वो सिस्टम में यूज करना है कि सिस्टम की चीजों को उसका पता हो कि जब आप PHP लिख के यहाँ पे एंटर करें तो उस पर कोई इन्फो आए, तो उस चीज को इस पाथ के वेरिएबल में ऐड करना जरूरी है, अदरवाइज यहाँ पे वो कहेगा कि अननोन कमांड। ओके, तो सबसे पहले ये पाथ का वेरिएबल आप एडिट कैसे कर सकते हैं? इसको एडिट करने के लिए आप फाइंडर ओपन कर लें, उसमें अपनी मैक जहां पे इंस्टॉल है उस डायरेक्टरी में आ जाए, यहां से यूजर्स की डायरेक्टरी में जाएं और अपने करंट यूजर के डायरेक्टरी में आ जाएं। यहां पे आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ कुछ फोल्डर्स शो हो रहे हैं, यहां पे आपको हिडन फोल्डर्स शो नहीं हो रहे। मैक ओएस में हिडन फोल्डर को शो और अनशो मतलब टूगल करने के लिए उनकी विजिबिलिटी शॉर्टकट की है कमांड प्लस शिफ्ट प्लस डॉट। मैंने एक दफा दबाया शो हो गई है, एक दफा और डॉट दबाऊंगा, उन दोनों को दबा के कमांड और शिफ्ट को दबा के रखा हुआ मैंने तो वो हाइड हो गई है। ओके, मैं इसको विजिबल करूंगा। यहाँ पे बेसिकली अभी हमारे पास वो बैश प्रोफाइल, ये फाइल है जो कि ये पाथ वेरिएबल को एडिट करने के लिए यूज होती है। ओके, तो मैं एक नई फाइल यहाँ पे बना लूंगा, मैं एक स्टेप बैक जाऊंगा अपर फोल्डर में, राइट क्लिक करूंगा,
एक टर्मिनल यहाँ पे इस फोल्डर में ओपन कर लूंगा, वापिस इस फोल्डर में आ जाऊंगा और यहाँ पे कमांड जो एक नई फाइल क्रिएट करने की कमांड है मैकOS में, उसका है टच और जो फाइल का नाम आप लिखना चाहते हैं, जो हमने फाइल बनानी है वो है डॉट डैश अंडरस्कोर प्रोफाइल, सॉरी प्रोफाइल, एंटर करेंगे ये फाइल यहाँ पे बन गई है। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लूंगा नोटपैड में। इस नोटपैड को मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और टाइप करके जरा इसका साइज जो है उसको इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ओके, होपफुली दैट शुड बी। अब सबसे पहले मैं आपको ये जो वेरिएबल है पाथ का, जिसको मैंने एको, इसको मैं क्लोज कर दूंगा पाथ के वेरिएबल को, ये जो मैंने एको किया है मैं इसकी आउटपुट चेंज करूंगा और उसकी वजह से हमारी ये चीजें खराब हो जाएंगी। प्लीज जैसे मैं ये सब डेमो करके दिखाने लगा इसको फाइनल सॉल्यूशन करके छोड़ नहीं देना, आपका सिस्टम जो है वो मतलब काम खराब हो जाएगा। अभी सब डेमो के लिए मैं इसकी ये जो लिखा हुआ है सारी को चेंज कर दूंगा। ओके, तो तरीकाकार ये एक्सपोर्ट, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट करना होता है ताकि जो ये टर्मिनल है इसको यूज कर सके। वेरिएबल का नाम क्या है, पाथ, ये वेरिएबल एक्सपोर्ट कर रहा हूं, इक्वल टू, इसको अभी सिर्फ और सिर्फ मैं ओवरराइड करने लगा हूं कंप्लीटली। ओके, या ओवरराइडेड व्हाटएवर, कंट्रोल प्लस एस सेव करने के लिए, कमांड प्लस एस और चेंज किया, कमांड प्लस टैब चेंज किया। यहां पे अब मुझे एक नया टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा, यहां पे पाथ के जो वेरिएबल है वो पहले ही से लोड हो चुका है। यहां पे अगर मैं एको पाथ फिर करूंगा तो वही आएगा। मैं एक नया टर्मिनल ओपन करूंगा, इस कमांड को कॉपी कर लूंगा यहां से, अब यहां पे पेस्ट करूंगा तो ओके आ रहा है जो मैंने यहां से एक्सपोर्ट किया है। ओके, अभी मैंने खराब कर दिया इसको, प्लीज इसको फाइनल सॉल्यूशन नहीं करना। अब यहां पे अगर मैं npm लिख के एंटर करता हूं तो कमांड नॉट फाउंड, तो ये चीज भी कंफर्म होगी कि हमारी इन ये जो पाथ हमने बताए हुए हैं इनकी वजह से हमारी ये सारी चीजें चलती है। अभी गिट वगैरह सारा कुछ खत्म हो गया, सारी चीजें खराब हो गई है मेरी, तो अगर यहाँ पे वीडियो खत्म करेंगे तो सिस्टम खराब हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं वीडियो के साथ। अब जो बेसिकली करंट सिस्टम का पाथ है ना, इस बैश प्रोफाइल में वो अवेलेबल होता है। किस तरह, मैंने जैसे अभी बताया डॉलर सिंबल और पाथ, सॉरी पाथ ये, एंड इसको सेव कर दूंगा। अभी सिर्फ कहने के जो पाथ है था मैंने उसको इस अपने पाथ के वेरिएबल में इक्वल कर दिया, कुछ चेंज नहीं किया। यहां पे आ जाता हूं, नई प्रोफाइल ओपन करता हूं, एको करता हूं, आपके सामने पूरा पाथ का वेरिएबल एज इट इज हो गया। ओके, ये सेम मैंने बस कह ले के मैंने जावास्क्रिप्ट में वो वाला काम किया, कॉन्स्टेंट ए, सॉरी लेट ए कह लेते हैं क्योंकि हम सेम नाम यूज कर रहे हैं, लेट वेरिएबल ए इक्वल टू कोई वैल्यू, रैंडम वैल्यू, और बाद में वेरिएबल ए इक्वल टू वेरिएबल ए, तो ये वो वाला काम हो रहा है, इस तरह के काम। मेन इसका फायदा हमें क्या है कि इसमें ताकि हम और ज्यादा जो फोल्डर्स हैं, जो पाथ्स हैं, उनको ऐड कर सके, ये इसका मेन काम है। उसके ऐड करने का तरीका क्या क्या है, आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें ना तो आपको ये चीज नजर आएगी कि ये एक फोल्डर का पाथ है। ओके, ये एक फोल्डर का पाथ है, जब दूसरे फोल्डर का पाथ आया तो उन्होंने एक कॉलम यूज किया, ये इसको कंबाइन कर रहा है कि ये फोल्डर हो गया, अब ये वाला फोल्डर, अब ये वाला फोल्डर, तो वो काम हो रहा है, कॉलम लगाया दूसरा फोल्डर। तो हम भी यही काम करेंगे, हमने ये पूरा पाथ जो पहले बाय डिफॉल्ट आ रहा है सारा कर लिया, कॉलम लगाया, अब इसमें से इसमें जो हम ऐड करना चाहते हैं वो हम ऐड कर देंगे। ओके, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैं सिर्फ वही ओके ही ऐड कर देता हूँ आसानी के लिए, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे हम फोल्डर तक का पाथ लिखेंगे। मेनली मेरे जेन में बार बार वो फ्लटर आ रहा है, तो फ्लटर का जब हम एसटीकेट गिटहब से मैं मेनली डाउनलोड करके रख लेता हूँ ताकि उसको अपडेट करना आसान रहे, तो वो एसटीकेट जब डाउनलोड करेंगे तो मैं एसटीके जहां पे मैंने क्लोन किया उस फोल्डर तक का, फ्लटर के रूट फोल्डर तक का, जहां पे रूट फाइलें भरी हुई है वहां तक का पाथ यहाँ पे ऐड करूंगा, तो फिर जब मैं फ्लटर की कमांड लिखूंगा तो मेरा काम चलने लग पड़ेगा। ओके, अभी इसे मैं ओके ऐड कर देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ये देखें पहले यहाँ पे ओके नहीं था आ रहा, मुझे एक नई प्रोफाइल ओपन करनी पड़ेगी। यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि ये बेसिकली पहले लोड कर चुका हुआ है। यहाँ पे करूंगा तो मेरा जो न्यूली चीज एडिट थी वो भी आ गई है। अगर आप विंडोज यूजर है तो विंडोज में पाथ के वेरिएबल को
किस तरह एडिट करते हैं उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देखते हुए विंडोज में पाथ के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में थैंक्स लिखें, वेरी गुड वीडियो लिखें, जो आप लिखना चाहें उसको लिखें, और ये आपकी तरफ से एक अप्रिसिएशन होती है जिसको रियली अप्रिशिएट किया जाता है। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.